गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एडमिशन में जो गुडविल की एंट्रीज हम लोग कर रहे थे, अब उनको ही क्वेश्चंस में ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 1/3 एंड 1/2। वेरी गुड। यानी कि ए और बी के बीच में जो रेशियो है वो है 1/3:2/3, और इसको हम कह सकते हैं 1:2। देयर कैपिटल वाज 8,000 एंड 10,000। एडमिट हो रहा है सी 1/4 शेयर के लिए, तो सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, 8,000 कैपिटल है, 6,000 गुडविल आ रहे हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय द पार्टनर, पास एंट्रीज। वेरी गुड। तो अब कुछ दिया नहीं है, चलिए तो न्यू रेशियो पूछा है। कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन फ्यूचर, इसका मतलब है इन्होंने न्यू रेशियो भी पूछा है। चलो, तो हम इसमें जब कुछ नहीं दिखा होता तो हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग शेयर कितना है। ठीक है, और ये शेयर करेंगे बाय ए बी इन ओल्ड रेशियो। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, 3/4 का 1/3, तो 1/4। और बी का नया शेयर क्या होगा, 3/4 का 2/3, तो 2/4। सी का नया शेयर आपका 1/4 है, तो न्यू रेशियो क्या होगा, 1:2:1। सेक्रीफाइज रेशियो क्या होगा, आपके ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, 1:2। क्लियर। अब तो आप लोगों को ये चीज़ इतनी ज़्यादा सिंपल लगती होगी। अब एंट्री की बात करें, पहले है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, वो 8,000 है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो है 6,000, तो टोटल आए 14,000। इस 14,000 में से जो प्रीमियम है गुडविल का, वो ए और बी को ट्रांसफर कर देंगे इनके सैक्रिफाइस रेशियो में। दैट इज 2,000 एंड 4,000। क्वेश्चन में लिखा है कि ये विड्रॉ कर लिया है इन लोगों ने पैसा, तो एक विड्रॉ की एंट्री और हो जाएगी, वो होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2,000 4,000 6,000। इन्होंने अगर ये नहीं लिखा होता, आधा विड्रॉ किया है, तो इसको आधा 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 विड्रॉ कर लेते। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब 30 देखते हैं। ए और बी है, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, न्यू रेशियो दे रखा है 2:2:3। सी 2 लाख कैपिटल लाए है और 1 लाख गुडविल लाए है। हाफ जो है वो विड्रॉ हुई। अब इसमें पूरी की जगह हाफ विड्रॉ कर लेंगे, कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। ए बी हैं, इनके बीच का रेशियो है 3:2। ए बी सी हैं, इनका बीच का रेशियो है 2:2:3। ठीक है, तो पहले देखेंगे ए का सेक्रीफाइस क्या हो रहा है। पहले था 3/5, अब है 2/7। ए का सेक्रीफाइस हो रहा है 11/35, और बी का सेक्रीफाइस कितना है, पहले था 2/5, अब है 2/7। बी का सेक्रीफाइस हो रहा है
तो सेक्रीफाइस रेशियो जो निकला वो 11:4 निकला, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो आया मेरा 11:4। अब पहली एंट्री क्या होगी, कितना लाया कैपिटल, 2 लाख कैपिटल है, 1.5 लाख रुपए गुडविल है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को भी क्रेडिट करेंगे। ये 2 लाख रुपए हैं, ये 1.5 लाख है, ये हो गया 3.5 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल को हम अब डेबिट करेंगे 1.5 लाख से, और ये एज कैपिटल और बीज कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो 11:4, 1,10,000 और 40,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है हाफ ऑफ द शेयर विड्रॉ किया है, तो इसका जो हाफ होगा वो ये विड्रॉ कर लेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका जस्ट हाफ विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि 55,000, 20,000, तो ये 75,000 आपने विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो दिया है वो आपने उसको फॉलो कर लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये प्रॉब्लम लोगों ने की, अब अगली प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।